Assalamu alaikum students, we are going to learn chapter 1. Our topic is modem, world wide web and web browser. Let's start from modem. What is modem? Modem is a device that allows a computer to connect and to communicate with other computer. Modem एक ऐसी डिवाइस है जो कि कंप्यूटर की हेल्प करते हैं वो अपनी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सके, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचा सके इंटरनेट को यूज़ करते हुए, इंटरनेट कनेक्शन को यूज़ करते हुए. तो मोडेम उस वो वहाँ पर यूज़ होती हैं जहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन होगा. मोडेम एक ऐसी डिवाइस है दैट अलाउ कंप्यूटर टू कनेक्ट कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन कंप्यूटर टू एन अदर कंप्यूटर विया इंटरनेट कनेक्शन. इसके बाद हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मोडेम कनेक्शन. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मोडेम कनेक्शन, केबल मोडेम, टेलीफोन मोडेम एंड वायरलेस मोडेम. इनमें से केबल मोडेम एंड टेलीफोन मोडेम, ये दो मोडेम, इसमें वायर यूज़ होती हैं. इसमें केबल टीवी की वायर यूज़ होती है और इसमें टेलीफोन वायर यूज़ होती है. और जबकि ये वायरलेस है, इसमें एयर के थ्रू सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाता है वन पीसी टू अनदर पीसी, वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, वन लैपटॉप टू अनदर लैपटॉप एंड वन डिवाइस टू ऑन एनी डिवाइस. ओके, केबल टीवी के थ्रू हम, केबल मॉडेम के थ्रू हम डाटा को कैसे ट्रांसफ़र करते हैं? यूजिंग अ केबल टीवी लाइन. वो केबल टीवी लाइन आपके कंप्यूटर के साथ अटैच होती है और वो सिग्नल को एक जगह से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की तरफ ट्रांसफ़र करने में हेल्प कर रहे होते हैं. जैसे सिग्नल जा रहे होते हैं आपका डाटा भी शेयर हो रहा होता है. इस तरह टेलीफोन लाइन के थ्रू सिग्नल्स जा रहे होते हैं और आपका डाटा टेलीफोन लाइन के थ्रू वन पीसी से दूसरे पीसी की तरफ जा रहा होता है. इसी तरह वायरलेस मोडेम एक ऐसी डिवाइस है जो कि सिग्नल्स को हवा के ज़रिए एक पीसी से दूसरे पीसी की तरफ लेकर जाती है और जब वो सिग्नल्स जा रहे होते हैं, सिग्नल्स के साथ साथ आपका डाटा एक पीसी से दूसरे पीसी तक जा रहा होता है और आपका डाटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है. वो डाटा हो सकता है इंफॉर्मेशन, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट एक्सेट्रा, जो भी हो सकता है. इसके बाद ये थ्री टाइप्स के मोडेम होती हैं, एक केबल, टेलीफोन और वायरलेस मोडेम. ये तीनों जो मोडेम होती हैं ये आपके पीसी के साथ अटैच होती हैं. आपकी आप अपनी मर्जी के मुताबिक तीनों में से कोई एक भी मोडेम यूज़ कर सकते हैं. What is www? www is known also known as web. It's a system of interlinked pages that contain a variety of information. आपको नाम से जाहिर पता चल गया कि www एक वेबसाइट है, बहुत बड़ी वेबसाइट है. इज नोन एज वेब, वेब कहा जाता है जो कि अपने साथ मल्टीपल वेबसाइट के पेजेस को कनेक्ट किया होता है, करके रखा होता है उसने. अब जो भी यूज़र को इंफॉर्मेशन सर्च करनी होती है तो वो www राइट करता है और वो www क्या करता है, वेब ब्राउज़र उसकी हेल्प कर रहा होता है इंफॉर्मेशन को डिफरेंट वेब पेजेस से उठाकर और यूज़र को शो करने, पीसी के सामने दिखाता है. www इज़ आल्सो नोन एज वेब. सिंपल डेफिनेशन एक ऐसी, इसकी ये डेफिनेशन है कि www एक ऐसा वेबसाइट है जो कि यूज़र की हेल्प करता है डिफरेंट पेजेस से इंफॉर्मेशन को लेकर इकट्ठा करके यूज़र के सामने शो करवाता है. वी एक्सेस द www विया इंटरनेट कनेक्शन. www हम किस तरह करते हैं? इंटरनेट कनेक्शन. विदाउट इंटरनेट कनेक्शन हम वर्ल्ड वाइड वेब को यूज़ नहीं कर सकते. डिफाइन वेब ब्राउज़र. वेब ब्राउज़र इज़ अ प्रोग्राम, इज़ अ सॉफ्टवेयर यूज टू लोकेट एंड डिस्प्ले वेब पेजेस. वेब ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि वेबसाइट के पेजेस को लोकेट करता है, सर्च करता है और डिस्प्ले करता है यूज़र्स के सामने, यूज़र की कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर. इसकी एग्जांपल हैं ओपेरा मिनी, गूगल क्रोम एंड फायरफॉक्स. जब भी आपको इंफॉर्मेशन, आपको पता है आप जब इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं हम थ्री टाइप्स के या डिफरेंट टाइप्स के वेब ब्राउज़र यूज़ कर रहे होते हैं, ओपेरा मिनी, गूगल क्रोम एंड मोज़िला फायरफॉक्स. ये आपकी हेल्प कर रहे होते हैं इंफॉर्मेशन को शेयर कर, इंफॉर्मेशन को स्क्रीन के ऊपर दिखाने में, डाटा को सर्च करने में. ये थ्री डिफरेंट टाइप्स के वेब ब्राउज़र आपकी हेल्प करते हैं. इसके बाद रिकैप में आ जाएं, सर्कल द करेक्ट ऑप्शन. ये जितने भी मैंने MCQs बनाए हैं, ये मैंने ऊपर जितना भी मैंने पढ़ाया है, मोडेम, टाइप्स ऑफ मोडेम कनेक्शन एंड www एंड वेब ब्राउज़र, इन्हीं में से मैंने बनाए हैं. यहाँ पर वो पूछ रहे हैं द स्पीड ऑफ अ मोडेम. मोडेम की जो स्पीड होती है इज मेयर्ड इन BPS, बिट्स पर सेकेंड में मेयर की जाती है. किस में मेयर की जाती है? बिट्स पर
सेकेंड। हाँ जी, हम बात कर रहे थे बिट्स पर सेकेंड। इसके बाद हम बात कर रहे थे टू टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन, डायलअप एंड ब्रॉडबैंड। मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है, ये इसका आंसर है। टू टाइप्स के इंटरनेट कनेक्शन होते हैं। थर्ड एमसीक्यूज है, द वर्ल्ड वाइड वेब इज आल्सो नोन एज वेब। वर्ल्ड वाइड वेब को हम क्या कहते हैं? वेब कहते हैं, दूसरे मीनिंग में, मतलब बहुत वेरी बिग वेबसाइट। अ डैश इज अ ब्राउजर यूज टू लोकेट एंड डिस्प्ले वेब पेजेस। वो कौन सा ऐसा प्रोग्राम है, ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि सर्च करता है और वेबसाइट के पेजेस को शो करता है स्क्रीन के ऊपर, दैट इज कॉल्ड वेब ब्राउजर। मोज़िला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम एंड ओपेरा मिनी एक्सेट्रा एंड डिफरेंट टाइप्स के वेब ब्राउजर है। द वर्ल्ड वाइड वेब वॉज डेवलप्ड इन डैश बाय डैश। आपको पता है वर्ल्ड वाइड वेब किसने बनाई थी? सर टिम बर्नर्ड-ले ने, और 1989 में बनाई थी। मैंने इसको हाईलाइट किया इसके आंसर को, ये 1989 में और सर टिम बर्नर्ड ने इसको डेवलप्ड किया था, वर्ल्ड वाइड वेब को किया था, जिसके थ्रू हम इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं जिसके थ्रू। अच्छा, ये आपके सामने इसके आंसर्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरा लेसन बहुत अच्छे से पढ़िएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।